सरकार ने देश के और दुनिया के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है वो अनुकरणीय है, और इसलिए हमें लगता था कि 3 मार्च को गुजरात में इस स्थान से बेहतर कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता, जहां हम देश के दूसरे वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोगों को भी और दुनिया के लोगों को भी एक सच्चा संदेश दे सकें कि अगर आपको देखना है कि कोई कमिटमेंट कैसे होती है किसी वन प्राणी के संरक्षण के प्रति, तो उसके लिए आप गुजरात सरकार को देखिए। मुझे इस समय ये भी आपको सूचित करना है कि इस वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सारे दुनिया का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत के अंदर उस कार्यक्रम को होस्ट करने वाले हैं, और प्लास्टिक के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर एक बड़ी जंग पूरे भारत के अंदर आने वाले महीनों के अंदर हम शुरू करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात सरकार प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई में भी उसी प्रकार से नेतृत्व प्रदान करेगी जिस प्रकार से उन्होंने वाइल्ड लाइफ के मसले पर अपने इस गिर के अंदर सिंहों की रक्षा की है। नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ईमानदारी से मेहनत से हो रहा है। मुझे सिंह देखने का भी मौका मिला, और साथ में उससे भी ज़्यादा अच्छी बात देखी कि वन के अंदर जो यहाँ की जनता है, यहाँ के गांव के लोग हैं, उनके और सिंह के बीच का जो प्यार मोहब्बत प्रेम का जो एक दूसरे के प्रति परस्पर विश्वास का जो संबंध है वो अपनी आंखों से देखने का मुझे मौका मिला। और मुझे लगता है कि देश में जो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, इसके मसलों को अवॉइड करने के लिए, इनसे बचने के लिए सारे देश में जहाँ जहाँ ये तकलीफ़ बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, उसको यहाँ गुजरात में आकर यहाँ के उदाहरण को निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहिए। मैंने ये भी कहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी भरपूर प्रयोग करके आने वाले समय में हमें इन सिंहों की रक्षा के और इनका जो जीन बैंक है इसको और ज़्यादा विस्तार देने के लिए, उसकी और ज़्यादा सुरक्षा के लिए और बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है।